हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। आइए जाने मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षकों के लिए नया अपडेट आया है। मध्य प्रदेश में नई सरकार आई है और नई सरकार के जो मुख्यमंत्री होने वाले हैं माननीय कमलनाथ जी, उन्होंने ये वादा किया है कि मध्य प्रदेश में जितने भी अतिथि शिक्षक हैं कम से कम 1 लाख के आसपास, उनका नियमितीकरण शीघ्रता से किया जाएगा, निश्चित समय में किया जाएगा। मतलब सीएम पद की शपथ लेने के 90 दिन के अंदर अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो जाएगा। सबसे पहले काम होगा किसानों की कर्जमाफी, उसके बाद दूसरा काम होगा अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण। तो इससे संबंधित अपडेट है, मैं आपको इस अपडेट से अवगत कराऊंगा। तो शुरू करते हैं आज आपके काम की खबर। यदि जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल मोर क्रिएटिव को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा अगले अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। आप मुझे Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है अपडेट। गुरुजी की तर्ज पर अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की प्रक्रिया की जाएगी। अतिथि विद्वानों अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की नीति बनाएंगे अगले 90 दिनों के अंदर। सरकार बनते ही किसानों की कर्जमाफ़ी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सहकारिता विभाग ने जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उनको आदेश दे दिया है कि किसानों के जो कर्ज का ब्यौरा है वो उनको सौंपा जाए, उसके बाद वो मंत्रालय को चला जाएगा। और 2009 के बाद जितना भी किसानों का कर्ज है 2 लाख माफ़ कर दिया जाएगा। मतलब एक किसान का कर्ज 2 लाख रुपया माफ़ कर दिया जाएगा। इसमें भी बहुत सारी प्रक्रिया हैं, किस किस हिसाब से कैसे कैसे कर्ज माफ़ होगा उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा। वो हमको पता होना चाहिए। सरकार ने तो कह दिया है कि कर्ज माफ़ होगा। हमने देखा था यूपी सरकार में जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी तो वहाँ पर एक एक दो दो रुपये के किसानों के कर्ज माफ़ी के चेक मिले थे। कहीं यहाँ पर भी ऐसा ना हो जाए, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि सरकार ने किसानों के कर्ज माफ़ी के लिए क्या वादा किया है और हमको उसका कितना चेक मिल रहा है। तो सबसे फर्स्ट काम है कांग्रेस सरकार का, नई सरकार का, किसानों की कर्ज माफ़ी, और दूसरा काम है नियमितीकरण, अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण। उसके बाद बहुत सारे उन्होंने वचन पत्र में लिखा है, वो सारे काम उनको करना है, अप्रैल तक करना है, क्योंकि अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव है। जो उन्होंने वचन पत्र में कहा है अगर उन्होंने नहीं किया तो लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें कम हो सकती है या फिर वो हार भी सकते हैं। किसानों और अतिथि शिक्षकों ने ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाई है, उनको बहुत उम्मीदें हैं। अब सरकार को इन उम्मीदों पर खरा उतरना है, अन्यथा उनकी बाट लग सकती है। भोपाल 12 नवंबर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश में कार्यरत 1,20,000 अतिथि शिक्षकों के गुरुजी की तर्ज पर नियमित करने की प्रक्रिया की जाएगी। वे आज यहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सबसे मिलने सभी जिलों से आए अतिथि शिक्षक संघ के जिला अध्यक्षों को संबोधित कर रहे थे। समन्वय समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मतलब हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे माननीय दिग्विजय सिंह जी, वो भी उपस्थित थे, और दिग्विजय सिंह जी का बहुत सपोर्ट रहा कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने में। इसलिए कमलनाथ जी ने जो वादा किया है वो दिग्विजय सिंह की सपोर्ट के कारण ही हुआ है। और दिग्विजय सिंह ने ये भी कहा है, गारंटी ली है कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जरूर होगा, उसका मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा आगे। तो अभी हम देखते हैं, सभी लोग प्रदेश कांग्रेस के सचिव राजेंद्र साहू के नेतृत्व में कमलनाथ जी से मिलने यहाँ आए थे। कमलनाथ ने कहा है कि शिवराज सरकार में पिछले 14 सालों से शिक्षकों के साथ जो अन्याय हुआ हो रहा है उसे हम खत्म करेंगे। कांग्रेस हमेशा अन्याय के विरोध दी रही है और हमारी सोच सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों का मुद्दा हमने वचन पत्र में शामिल किया है। हमने संकल्प लिया है कि वचन पत्र के एक एक बिंदु को समय सीमा निर्धारित करके पूरा करेंगे। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, समय सीमा पर एक एक वचन पत्र में लिखे गए टिप्पणी को हम पूरा करेंगे। उनमें मुख्य टिप्पणी है कांग्रेस का
सॉरी किसानों का कर्ज माफ और अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण। ठीक है, फर्स्ट काम किसानों की कर्ज माफी और सेकंड काम अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण। समय सीमा 90 दिन के अंदर, सीएम पद की शपथ लेने के 90 दिनों के अंदर अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि सभी हमारे अतिथि शिक्षकों भाइयों के पास ये वीडियो जाए। हम सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू या फेस टू फेस जितनी भी इन सारी चीज़ों को शेयर करेंगे सरकार के पास बात जाएगी। हो सकता है सरकार वादा करने के बाद भूल जाए, हमको उन्हें याद दिलाना है, अगले 90 दिनों के अंदर हमारा नियमितीकरण कराना है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिसमें हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों का फायदा होगा। अब इंतजार नहीं हो सकता। आपने अतिथि शिक्षकों को नियत समय तक नियमित नहीं किया तो आगे अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव है, उनकी मजबूरी हो जाएगी कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि सरकार कोई भी रहे, हमको बीजेपी सरकार ने नियमितीकरण नहीं किया इसलिए हमने कांग्रेस की सरकार लाई है। अब कांग्रेस की सरकार से हमें पूरी उम्मीद है, 101% उम्मीद है कि हमारा नियमितीकरण होगा और इसी कारण से हमने उन्हें जिताया है। और बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, 2019 में नौकरियों का पिटारा होगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी अगला अपडेट आएगा उसके नोटिफिकेशन में आपको बेल आइकन पे क्लिक करना होगा। मैं कमलनाथ जी का जो वीडियो है उन्होंने अपने सामने कहा है और दिग्विजय सिंह ने भी उस बात की गारंटी ली है कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होगा, उसके लिए मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, तो देखते हैं वो वीडियो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार को याद आए कि उन्होंने जो वादा किया था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं सर अगले आपके काम की खबर के साथ।